संस्कृति ज्वेलर्स 3 बत्ती शुद्ध सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी पता है यूसुफ अली मार्केट 3 बत्ती सागर। एमपी में बारिश की संभावना तो नहीं है लेकिन संक्रांति पर अच्छी ठंड शुरू हो सकती है। प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम बादल रह सकते हैं। इस बार संक्रांति 2 दिन यानी 14 और 15 जनवरी को है। ठंड के तेवर भी 14 और 15 जनवरी से सख्त हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों के दौरान मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कड़ाके की सर्दी का ये दौर आखिर कब तक रहेगा। शुक्रवार यानी 13 जनवरी को प्रदेश के ग्वालियर चंबल के इलाकों में कहीं कहीं कोहरा रहा। इसके अलावा प्रदेश में ज्यादा कोई बदलाव नजर नहीं आया। 14 और 15 जनवरी को प्रदेश के पूर्वी इलाकों ग्वालियर चंबल छतरपुर और खजुराहो में कहीं कहीं घना कोहरा रह सकता है यानी सेवियर कोल्ड वेव और कोल्ड डे हो सकते हैं। वहीं 16 जनवरी को भी यही स्थिति बनी रहेगी। आज और कल उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसका असर मध्य प्रदेश में सीधा पड़ेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और उससे लगे उत्तर भारत पर बना हुआ है। इसके प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। साथ ही पाकिस्तान के मध्य में एक प्रेरित चक्रवात बन गया है। इसके चलते हवाओं का रुख दक्षिणी हो गया है। इस वजह से पूरे मध्य प्रदेश में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। बुधवार को मध्य प्रदेश में सबसे कम 5.3 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने पर 15 जनवरी मकर संक्रांति से मध्य प्रदेश में फिर कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने की संभावना है। संस्कृति ज्वेलर्स 3 बत्ती शुद्ध सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला बर्तन मूर्तियां एवं गिफ्ट आइटम के विक्रेता एवं निर्माता संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी पता है यूसुफ अली मार्केट 3 बत्ती सागर। हमारा नंबर है 9926435934 8839190934।